कभी लाइफ में ऐसा हो जाता है कि जब हमारी हिम्मत टूटने लग जाती है, बाहर से कोई मोटिवेशन काम नहीं आता है, किसी की बातें काम नहीं आती है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा होता है, बस एक जगह पे पड़े होते हैं और टाइम पास कर रहे होते हैं। अपने गोल की तरफ आपने बड़ा एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, अपना सब कुछ लगा दिया उसमें, लेकिन रिजल्ट उसका बिल्कुल अपोजिट आया जैसा आपने सोचा था। होता है ऐसा कई बार, आती है लाइफ में सिचुएशन आती है ना, ऐसा लग रहा होता है कि सब कुछ ही खत्म हो गया है, अंदर से ऐसी फीलिंग आने लग जाती है। तो उस वक्त क्या करना चाहिए, मतलब कि उस वक्त खुद को मोटिवेट कैसे करें? सर आपके वीडियोस देखती हूँ। अच्छा, तो सारे करते हैं यहाँ पर आए, तो मेरे जब वीडियोस देखते हो तो काम करता है वो? रिलेटेबल होता है, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, इवन यू आर अ लाइफ गिविंग पर्सन। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं कि अगर आपने मेरे वीडियोस देखे, और वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो भी अगर काम नहीं किए, मेरे वीडियोस भी काम नहीं किए, अपनी तारीफ करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन मान लेते हैं कि अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, किसी के वीडियोस देख रहे हो, वो भी काम नहीं कर रहे, अब क्या करें? सर जैसे मेरा दो बार सर एंट्रेंस मेडिकल का था सर, वो क्लियर नहीं हुआ था सर, उसमें मतलब कि पेरेंट्स का सर मनी भी लगा था उसमें, और टाइम भी लगा था उस समय, प्लान्स भी बहुत सारे थे कि मतलब फर्स्ट ईयर में अगर मतलब क्लियर हो गया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया था। फिर बाद में ऐसा बहुतों के साथ हुआ होगा, रिलेट कर पा रहे होंगे, कितनों के साथ हुआ है ऐसा कुछ? ठीक सर, फिर बाद में मैंने क्या किया कि पहले तो बूस्ट करने के लिए सर आपका मोटिवेशन वीडियो देखा सर, तो फिर वो काम नहीं किया? नहीं सर, वो टेम्परेरी बेस पे काम, टेम्परेरी बेसिस पे किया, मतलब रेगुलर काम नहीं करता, मतलब मेरा दिल रख लिया मुझे लग रहा था काम ही नहीं किया, मतलब देखा है क्या लगा ऐसा, मतलब मैं इमेजिन कर रहा था। हाँ ठीक है, बाद में मतलब मैंने किया कि मतलब अकेले बैठ के प्लान किया फिर से कि मतलब कि ये मेरी मतलब कमियां थी, ये मेरी मतलब कि अच्छा है, मतलब इन टॉपिक्स में मैं अच्छा हूँ, इन टॉपिक्स में बेकार हूँ, तो फिर मुझे यहाँ से हेल्प लेनी है, मतलब पूरा एक तरह से मैंने प्लान किया सब कुछ, लिख करके किया है, वैसे दिमाग में नहीं सर, लिख के, लिख करके किया प्रॉपर, कि ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, ये मेरी वीकनेसेस हैं। क्या इसके अलावा एक और काम भी हमने किया, क्योंकि अगर वो भी करें तो और बेटर हो सकता है, दैट इज कि जब मैंने वो तैयारी करी और मेरा नहीं हुआ तो उसमें मैंने क्या गलतियां करी? एक तो है आपकी वीकनेसेस जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, एक है गलतियां, मे बी कि हमने मोबाइल पे बहुत ज्यादा टाइम पास किया, नहीं हाँ, क्योंकि हम सच औरों को नहीं बोल सकते ना, खुद को तो बोल सकते हैं ना, घर वालों को बोला तो बड़े जूते पड़ेंगे कि बेटे यही टाइम पास ही करना था, सुट्टा ही मारना था, मतलब आपके लिए नहीं, वैसे तो मेरे पैसे क्यों लगवाए, है ना? यस सर। तो क्या ऐसा भी हम करते हैं लिख करके? कितने लोग एक्चुअल में करते हैं? बहुत कम, दो तीन लोग सर, वो भी सर टेम्परेरी, वो भी हम सीरियसली नहीं करते सर, समझ के दो चीजें यहाँ पे करनी जरूरी है, एक तो ये पहले समझो क्या आपकी वीकनेसेस थी, और अगली बार अगर आप दोबारा से अटेम्प्ट करने वाले हो उसको स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करना है, और अपने आप से ये भी सच बोलो कि क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, कहीं मैं दोबारा अपना टाइम तो नहीं खराब करने वाला हूं। कुछ ऐसी भी वीकनेसेस होती है किसी की, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग के लिए आप ट्राई कर रहे हो और आपकी आवाज ऐसी है कि जो भी सुनता है कान से खून निकलने लग जाता है, तो आप कह रहे हो कि यार मेरी वीकनेस है मैं स्ट्रेंथ बना दूंगा, ठीक है अच्छा है, ऑप्टिमिज्म अच्छा है, बट एक हद होती है ना, मतलब तो इस तरह से अपने आप से सच बोलना होता है कि मेरी वो वीकनेसेस है, उसको स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए देयर इज अ प्राइस टू पे, एफर्ट लगाना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, क्या वो मैं करने के लिए तैयार हूं, क्या वो मैं कर सकता हूं? इफ यू से यस तो नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, इफ यू से नो तो बात वहीं पे खत्म हो गई, अब कुछ और सोचो, नंबर वन। नंबर टू, उस वक्त मैंने क्या गलतियां करी, क्योंकि आप कुछ भी करते हो तो कुछ ना कुछ सोच समझ के करते हो, तो वो नहीं हुआ, दैट मींस आपको लग रहा था कि मैं कर लूंगा लेकिन नहीं हुआ, इसका मतलब पक्का है कि हमने बहुत सारी गलतियां करी हैं, उसको भी लिख लो। तो इससे क्या हो रहा है, हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड थे, अब हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, अब क्या होगा, पैसा चला गया, ये हो गया, ये सब क्या है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच। आप क्या बन गए, अब सॉल्यूशन ओरिएंटेड।